हेलो गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। सबसे पहले आपको मैं रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार की हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं ये त्यौहार आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए। आपका दिन शुभ हो। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो चैप्टर में करवा रहा था उसमें जो यूटिल टॉपिक पढ़ाया था और मैंने बताया था कि अगली वीडियो में हम ग्राफ को कवर करेंगे और आज मैं उसको बताने जा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है ग्राफ। तो आज हमारा जो टॉपिक है आप देख सकते हैं मैंने लिखा है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी टेबल ग्राफ रिलेशन। आज हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। टेबल ग्राफ और रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर स्कूल के एग्जाम्स में ये मिनिमम 4 मार्क्स मैक्सिमम 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है। तो बहुत ध्यान से बच्चों इस टॉपिक को समझिएगा। और इस टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी DMU जो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द मोर वी कंज्यूम द लेस सेटिस्फेक्शन वी गेट। जितना ज्यादा हम किसी चीज को यूज करते हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन डिमिनिश हो जाती है, कम होती रहती है। मैंने आपको समझाया भी था आइसक्रीम खा रहे हैं, पहली आइसक्रीम खाए जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा दूसरी आइसक्रीम में वो सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा, तीसरी आइसक्रीम में वो सेटिस्फेक्शन और कम हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आइसक्रीम खाने से हमको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा और अगर हम और खाएं तो सेटिस्फेक्शन मिलने के बजाय नेगेटिव यानी उल्टी हो जाएगी। इसका मतलब किसी भी चीज को जब हम लगातार यूज करते हैं उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो लगातार डाउन होता है। भूख लगी है, खाना खा रहे हैं, पहले निवाले में जो संतुष्टि मिलेगी दूसरे में नहीं मिलेगी, तीसरे में और कम हो जाएगी क्योंकि हमारी भूख कम होती जा रही है। तो द मोर वी कंज्यूम द लेस सेटिस्फेक्शन वी गेट। तो उसी को आज हम टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी ग्राफ टेबल ऑफ रिलेशन के साथ समझते हैं। मान लेते हैं पहला यूनिट आइसक्रीम हमने खाया, फर्स्ट यूनिट पॉज, पहला यूनिट आइसक्रीम हमने कंज्यूम किया, ठीक है। अब मान लो इसमें जो सेटिस्फेक्शन है वो है 100, मतलब पहला आइसक्रीम खा के जो हमें टोटल सेटिस्फेक्शन मिला कितना मिला 100। मार्जिनल सेटिस्फेक्शन भी अभी हमारे लिए क्या है 100। अब दूसरा आइसक्रीम हमने खाया, सेकेंड आइसक्रीम, जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ के हो गया मान लीजिए 150। यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो 150 है बच्चों ये 150 दोनों आइसक्रीम का टोटल सेटिस्फेक्शन है, दोनों आइसक्रीम का टोटल। तो सिर्फ दूसरा आइसक्रीम से मुझे कितना मिला माइनस कर दीजिए, 150 से 100 को माइनस कीजिए। देखिए पहला आइसक्रीम खाया था आपने आपको 100 का संतुष्टि मिला, दूसरा आइसक्रीम खाया आपने आपको सिर्फ दूसरा आइसक्रीम से कितने का संतुष्टि मिला 50, कम हुआ। यही तो डीएमयू का लॉ है कि जितना ज्यादा हम यूज करते जाएंगे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लगातार कम होता जाएगा। तो ये 150 है दोनों आइसक्रीम का टोटल है, ये सिर्फ दूसरा आइसक्रीम का है, ये जो 100 है ये सिर्फ पहला आइसक्रीम का है। अब पहला आइसक्रीम एक ही आइसक्रीम खाए हैं तो वही एक और वही टोटल है, लेकिन जब हम दो आइसक्रीम खा रहे हैं तो दोनों से टोटल संतुष्टि 150 का मिला, सिर्फ दूसरा आइसक्रीम से कितने का मिला 50। अब तीसरा आइसक्रीम भी हमने कंज्यूम किया, मतलब तीन आइसक्रीम खा के हमें टोटल संतुष्टि कितने का मिला 180, और सिर्फ तीसरा आइसक्रीम से कितना मिला 180 से 150 को माइनस करिए 30, यानी सिर्फ थर्ड आइसक्रीम खा के हमें कितना संतुष्टि मिला 30। अब देखिए लगातार कम हो रहा है क्योंकि डीएमयू का लॉ क्या कहता है, जितना ज्यादा आप किसी चीज को खाते जाएंगे यूज करते जाएंगे उससे मिलने वाली इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन
कम होती जाएगी। सिर्फ पहला आइसक्रीम खाए थे 100 मिला, सिर्फ दूसरा आइसक्रीम से 50 मिला, सिर्फ तीसरा आइसक्रीम से 30 मिला। अब मन भर गया, पेट भर गया और कोई संतुष्टि नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस बार आपका टोटल सेटिस्फेक्शन बढ़ा ही नहीं। क्यों? आपका मन तृप्त हो गया है, आप पहुंच चुके हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी। पॉइंट ऑफ सेटाइटी का मतलब आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुका है, अब आपके मन में और पेट में और जगह नहीं है। द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दैट यू कुड हैव अचीव्ड यू हैव गॉट इट। जितना आपको सेटिस्फेक्शन मिलना था अब मिल चुका है, अब आपको कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो आपका टोटल सेटिस्फेक्शन बढ़ा ही नहीं। 180 थर्ड में भी था, फोर्थ आइसक्रीम खा के भी कितना रह गया 180, यानी तीन आइसक्रीम खा के जो आपका टोटल सेटिस्फेक्शन था, चार आइसक्रीम खा के भी वही सेटिस्फेक्शन है टोटल। तो सिर्फ चौथा आइसक्रीम से आपको कितना मिला, 180 से 180 को माइनस करिए 0, यानी चौथे आइसक्रीम खा के अब आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। मतलब यू आर एट द टॉप ऑफ योर यूटिल, आप अपने यूटिल के टॉप पे पहुंच चुके हैं, अब आपको और कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता। जितना मिलना था वो मिल चुका, ठीक है। अब आपने जबरदस्ती पांचवा आइसक्रीम भी खा लिया, अब उल्टी हो जाएगी, नेगेटिव यूटिल चला गया, मान लीजिए ड्रॉप होके चला गया 60। माइनस करिए 160 से 180 को माइनस करिए, माइनस करिए, नेगेटिव में आ गया। पांचवा आइसक्रीम खा के सेटिस्फेक्शन मिलना तो दूर, बल्कि और नेगेटिव में चला गया, ठीक है। इसको आप बिजनेस में भी समझिए, जैसे एसी फरवरी मार्च से एसी बिक्री होनी चालू होती है, द सेल्स फॉर द एयर कंडीशन स्टार्ट्स इन फरवरी। जैसे जैसे मार्च आता है, अप्रैल आता है, एसी के सेल्स बढ़ते हैं। मई में जब गर्मी अपने सबसे पीक में होती है, भयंकर गर्मी होती है, एसी के सेल्स अपने टॉप पे पहुंच जाते हैं। यानी कोई भी दुकानदार, कोई भी बिजनेसमैन जो एसी का बिजनेस कर रहा है, वो मई में अपने टॉप सेल्स पे पहुंचेगा। और जैसे ही बारिश का मौसम आएगा जून जुलाई, एसी का डिमांड, एसी के सेल्स डाउन होते चले जाएंगे। क्यों? बिकॉज मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो चुका है, अब डाउन में चला जाएगा। तो चाहे बिजनेस हो, चाहे डीएमयू हो, चाहे डेली लाइफ हो, हमारा जो कंजम्पशन है वो धीरे धीरे बढ़ता है, टॉप पे जाता है और फिर डाउन हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, पहले टीयू बनाएंगे और फिर एमयू। लेट्स सी द ग्राफ, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। देखिए सबसे पहले हम यूनिट्स को ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल, 1 से लेके 5 तक, 1। थोड़ा और इसको जल्दी बनाना पड़ेगा बच्चों, वरना ये आएगा नहीं। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप अपने टीयू को देखिए, ये हाईएस्ट कहां तक गया है, 180 तक, ठीक है। तो हम इसको 20-20 का गैप ले लेते हैं बच्चों, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। और एक बात बताना चाहूंगा बच्चों, ये क्लियरली दिख रहा है, एक बार देखिए तो ये, ओके। एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को, जब भी ग्राफ प्लॉट करिएगा हमेशा 10 का टेबल लीजिएगा, उससे प्लॉटिंग जो है वो इजी हो जाती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, थोड़ा बड़ा लिखूं क्या इसको, ना दिख रहा अच्छे से, मैं बड़ा लिख लूं, ठीक। तो जैसा मैंने बताया बच्चों, हमेशा 10 या 20 का टेबल लीजिएगा, प्लॉटिंग बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। अब इसको प्लॉट करते हैं, 1 जब कंज्यूम हुआ था तब हमारा यूनिट कितना था, 100, यानी 1 के सामने किसको प्लॉट करना पड़ेगा बच्चों, मुझे 100। ये हमारा पहला प्लॉट। दूसरा, 2 के सामने कितना है बच्चों, आप देखिए 150, तो 2 के सामने 150, 140, 160 के बीच में होगा बच्चों,
ये हमारा दूसरा प्लॉट, तीसरा थर्ड के सामने 180, अच्छा 180 और ऊपर जाना पड़ेगा हमें, थर्ड के सामने बच्चों 180, ठीक है, फोर्थ के सामने भी बच्चों 180 बिकॉज सेटिस्फेक्शन और पढ़ाई नहीं था, और फिफ्थ में कितना हो गया बच्चों 160 ड्रॉप हो गया था, अब अगर इसका आप शेप बनाएंगे बच्चों आप नोटिस करिएगा क्या बन रहा है, इन्वर्टेड यू, इन्वर्टेड यू, यू ऐसे होता है इन्वर्टेड यू उल्टा, तो अब देख लीजिए टी यू पहले बढ़ रहा है फिर टॉप पे गया फिर डाउन हो गया, तो ये टी यू का ग्राफ है, ठीक है। अब इसी के नीचे बनाएंगे हम एम यू, बिल्कुल इसके नीचे, ये हमारा टी यू, अब हम इसके बनाएंगे नीचे एम यू, पूरा आ रहा है नीचे से नहीं आ रहा थोड़ा ऊपर, ठीक है देखो और ऊपर, ठीक है ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, चलिए बच्चों हमारा एमयू देख लेते हैं, एमयू हमारा माइनस में भी गया है और टॉप में 100 तक गया है, इसमें हम 10 टेन 20 का गैप ले लेते हैं, 20 40 60 80 100 और माइनस में भी है इसको लेना पड़ेगा माइनस, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यूनिट वन के सामने देखिए एमयू कितना है 100, उसके बाद 50 लगातार एमयू नीचे जाएगा, 2 के सामने 50 देख सकते हैं, 2 के सामने 50, 40 और 60 के बीच में होगा 50, अगला 3 के सामने 30, 20 और 40 के बीच में होगा, फोर के सामने 0 यानी यही होगा 0 फोर के सामने, और 5 के सामने माइनस 20, 5 के सामने आपका नहीं, अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चों एमयू का जो ग्राफ है वो लगातार नीचे जा रहा है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जितना ज्यादा कोई चीज को हम कंज्यूम करेंगे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल उतना डाउन हो जाएगा, तो हमने क्या पढ़ा है एमयू, इसलिए एमयू का जो ग्राफ है वो लगातार डाउन जा रहा है, लगातार नीचे जा रहा है, ठीक है। अब जहां पे रिलेशन लिखने की बात आए अब ध्यान से देखिएगा हमें रिलेशन को कैसे समझना, जब तक टी यू बढ़ रहा है 100 से 150, 150 से 180 आपका एमयू प्लस में, आपका एमयू प्लस में, तो पहला रिलेशन अंटिल टी यू इंक्रीजेस एमयू इज पॉजिटिव, दूसरा जैसे ही टी यू अपने टॉप पे पहुंचा 180 इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट कैन बी अचीव्ड, तो टी यू जब अपने टॉप पे 180 पे पहुंचा एमयू क्या हो गया 0, इसका मतलब और कोई एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता, मतलब व्हेन टी यू इज मैक्सिमम, जब टी यू अपने टॉप पे पहुंचेगा एमयू क्या हो जाएगा 0, एंड थर्ड जैसे ही टी यू डाउन हुआ देखिए 100 150 180 बढ़ रहा था
उसका टीयू डाउन में चला गया, नीचे चला गया, जैसे ही टीयू कम हुआ एनयू किस में चला गया, माइनस में। एज सून एज टीयू फॉल्स एमयू इज नेगेटिव, एमयू किस में चला जाता है, माइनस में। तो ये आप करेंगे आपको पूरा सिक्स में सिक्स मिलेगा। और एक बात, ये जो फोर्थ यूनिट है जहां पे टीयू अपने टॉप पे है और एमयू जीरो है, उस यूनिट को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा डॉटेड लाइन से, और इसको क्या कहा जाएगा, एमयू जीरो। और क्या कहेंगे बच्चों इस लाइन को, मैंने कहा था आपसे पॉइंट ऑफ सेटाइटी, पॉइंट ऑफ सेटाइटी का मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हैव बीन अचीव्ड, अब और सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता, अब कंज्यूम करेंगे तो प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस होगा। ठीक है, अगर कोई एयर कंडीशंस को बारिश का मौसम आएगा उसके बाद भी वो बेच रहा है, ठंड में भी बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि लॉस होगा, बिकॉज ऑफ सीजन में बेचने से आपको कम प्राइस में बेचना पड़ेगा। तो ये है रिलेशन बिटवीन टीयू एमयू विद टेबल ग्राफ एंड रिलेशन, इसको आप बनाएंगे आपको पूरा सिक्स में सिक्स मार्क्स मिलेगा। और एक बात, ये एमयू आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको टीयू का ध्यान रखना है, टीयू निकल गया तो एमयू कैसे निकलेगा, माइनस करके आप देखिए 150 माइनस 100 50, 180 माइनस 150 30, 180 माइनस 180 0, 160 माइनस 180 माइनस 20। इसका मतलब जरा पूछना है, देखिए तो यार अगर मुझे टीयू से एमयू में जाना है मैं क्या करूंगा, माइनस, और अगर एमयू से मुझे टीयू में आना है तो मैं क्या करूंगा, प्लस। अब खुद देख लीजिए 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 30 180, 180 प्लस 0 180, 180 माइनस 20 160। इसका मतलब टीयू से एमयू में जाना है तो माइनस, एमयू से टीयू में जाना है तो प्लस। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको रखना है कि इसको आपको कम बढ़ाना है, जैसे देखिए पहली बार मैंने 50 बढ़ाया तो अगली बार 30 बढ़ाया, अगली बार बढ़ाया या फिर ड्रॉप कर दिया, तो अगर आप बढ़ा रहे हैं पहले आप 40 बढ़ाइए तो अगली बार 30 बढ़ाइए, फिर अगली बार 20 बढ़ाइए, फिर बढ़ाइए मत फिर ड्रॉप कर दीजिए। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, जैसे मान लीजिए इस बार मैंने लिया 50, ये मैं टीयू समझा रहा हूं, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बच्चों, याद आ रहा ना पोर्शन, देखिए तो 50, अब मैं 40 बढ़ा दिया तो कितना हो गया बच्चों 90, 40 बढ़ाया है तो अगली बार ज्यादा नहीं बढ़ाना है, कम बढ़ाना है, अब 30 बढ़ाना है, 90 में 30 जोड़िए 120, अब बढ़ाइए ही मत और अब ड्रॉप कर दीजिए, तो एमयू आपका अपने आप आ जाएगा 90 माइनस 50 40, 120 माइनस 90 30, 120 माइनस 120 0 माइनस। यही कॉन्सेप्ट है बच्चों टीयू और एमयू का, कि आपको बढ़ाना है लेकिन कम बढ़ाना है, क्यों, बिकॉज जितना हम कंज्यूम करेंगे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। पहले मैंने 40 बढ़ाया फिर 30 बढ़ाया फिर बढ़ाया नहीं और फिर डाउन कर दिया। तो कॉन्सेप्ट यह है टीयू विल इंक्रीज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, अगर पहली बार 50 बढ़ा है तो अगली बार 40 बढ़ेगा फिर 30 बढ़ेगा, क्यों, कम होते जा रहे हैं, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन या यूटिल कम होती जा रही है, इसलिए वो लगातार डाउन हो जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया टीयू और एमयू का। अगली क्लास में मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और इंडिफरेंस कर्व के बारे में आपको बताऊंगा। आपका दिन शुभ।